जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस कलाकार के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ वो आधुनिक चित्रकला के इतिहास में, भारतीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और उस चित्रकार ने जो अपने जीवन यात्रा में इतनी ज़्यादा सामाजिक अवहेलना अपने लिए स्वीकार किया, अपने लिए देखा, अपने लिए झेला, उस कलाकार के बारे में, उस कलाकार के ज़िंदगी के बारे में जानकर आप अचंभित रह जाएंगे। वो कलाकार हैं भारतीय चित्रकला को वैश्विक कला बाजार में स्थान दिलाने वाले आधुनिक कलाकारों में फ्रांसिस न्यूटन सूजा का नाम सर्वप्रथम आता है। जी हाँ दोस्तों, तो गोवा के सालीगांव में 12 अप्रैल 1924 को एक कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ। सूजा के बचपन का नाम विक्टर न्यूटन सूजा था। मात्र 3 महीने की आयु में उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माता ने सिलाई के काम से परिवार का भरण पोषण किया, जिसकी झलक उनकी एक पेंटिंग में भी देखने को मिलती है। उन्होंने बम्बई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया, पर एक दिन शौचालय की दीवार पर अश्लील चित्रण करने के आरोप में उनको निकाल दिया गया। उन्होंने कला शिक्षा के लिए प्रसिद्ध सर जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया, पर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। बचपन से ही कला में इनकी रुचि थी। अपने आप को स्थापित करने के लिए संघर्ष से उनके कैरियर में सफलता का दौर प्रारंभ हुआ। स्कूली शिक्षा के दौरान उनका जो विद्रोही स्वभाव था, उस कारण से उन्हें अपने मित्रों की भी अवहेलना झेलनी पड़ती थी। खासतौर से ब्रिटिश मेंटेलिटी वाले जो मित्र थे उनकी अवहेलना भी झेलनी पड़ी थी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की 1947 में वार्षिक प्रदर्शनी में उनके सभी चित्रों को न केवल शामिल किया गया बल्कि उन्हें पुरस्कार भी दिया गया। भारत को जब स्वतंत्रता मिली उसी वर्ष तत्कालीन बम्बई में भारतीय आधुनिक कला के सबसे बड़े आंदोलन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का जन्म हुआ, जिसका मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र न्यूटन सूजा ने लिखा। उनकी पहली प्रदर्शनी 1948 में लंदन में बर्लिंगटन हाउस में लगी। उसके बाद 1949 में वह भारत छोड़कर इंग्लैंड चले गए। सफलता के दौर में 1960 में लंदन में आयोजित उनकी एकल प्रदर्शनी के सारी पेंटिंग बिक जाने से कला बाजार में सनसनी फैल गई। सूजा की पेंटिंग स्टाइल हाई एनर्जी और लो लाइफ के लिए जानी जाती है। एकदम उनकी पेंटिंग से जो संवेदना की तीव्रता है उनके स्ट्रोक्स में, ब्रश के स्ट्रोक्स में या रेखाओं में, वो व्यक्ति को उद्विग्न कर देता है। नग्नता और कामोत्तेजक चित्रण उनकी कला शैली की विशेषता है, उनकी कला शैली की विशिष्टता में शामिल है। रंगों का इस्तेमाल करने का तरीका उनका बहुत ही अद्भुत था, खास तौर पर लैंडस्केप चित्रण में, और उनका रेखांकन अधिक भारतीय कला की जादुई रेखाएं हैं, आधुनिक भारतीय कला की जादुई रेखाएं हैं। उनकी उन्होंने जो चित्र बनाए, खास तौर से निर्वसनाओं के चित्र, उनमें आप देखते ही महसूस करेंगे आपके अंदर से एक झंझनाहट सी अपने शरीर में जरूर हो जाएगी उनकी रेखाओं को देखकर। 1959 में उन्होंने अपनी पुस्तक वर्ड्स एंड लाइन प्रकाशित किया, वर्ड्स एंड लाइन्स, और क्रिस्टीज एक एक्शन हाउस है जहाँ पे पेंटिंग नीलाम हुआ करती है। और सभी कलाकारों की जो बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने पेंटिंग में इन्वेस्ट किया है, क्रिस्टीज और सॉथबीज, ये दो संस्थाएं हैं जो बाद में सैफ्रन वालों ने भी हिंदुस्तान में शुरू किया। तो क्रिस्टीज और सॉथबीज जो ऑक्शन हाउसेस हैं, तो क्रिस्टीज का 1915 में न्यूयॉर्क में हुई नीलामी में $40 लाख से अधिक में, यानी तकरीबन 26.40 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कीमत पाने वाला जो चित्र रहा वो सूजा का चित्र था, जो इन्होंने 1955 में बनाया था। उस चित्र का नाम था द बर्थ, यानी जन्म। जब वे कैथोलिक ईसाई धर्म के पाखंड की आलोचना करने लगे थे
वैसे में इस चित्र का निर्माण किया गया था। इस चित्र में पादरी जैसे कपड़े पहने हुए एक आदमी को एक लेटी हुई नग्न युवती के साथ अशोभनीय मुद्रा में दिखाया गया है। पृष्ठभूमि में चर्च और पुराने नगर के दृश्य हैं। पुरुष के चेहरे पर ऐसा भाव है जैसे कि वह चोरी करते हुए पकड़ा गया है। विवादास्पद चर्चित फ्रांसिस न्यूटन सुजा अपनी कला के कारण ही नहीं जीवन शैली के कारण भी विद्रोही कहे गए। अनेक प्रेमिकाओं के साथ मस्त जिंदगी जीने वाले सुजा ने 3 विवाह किए और 5 बच्चों के पिता बने। लंदन और न्यूयॉर्क में रहने के बाद अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने मुंबई में बिताया, जहां 28 मार्च 2002 को उनका निधन हो गया। आइए अब हम उनकी कुछ कृतियों की झांकी देखते हैं। तो दोस्तों, यह हुआ न्यूटन सुजा की जिंदगी के बारे में आपने जाना, उनके संक्षेप में उनके पूरे जीवन वृत्त को समझा और उनकी कृतियों का भी अवलोकन किया। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विदा।